हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ की रसोई। और आज हम एक इनोवेटिव सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें आधा कप हम मैदा लेंगे और इस मैदा में हम मिलाएंगे एक चम्मच अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हाथों से हम क्रश करके इसमें ऐड करेंगे, डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे। तो क्रश करने से क्या होगा, अजवाइन का जो फ्लेवर होगा पूरा आएगा। तो इस तरीके से इसमें हम क्रश करके डाल देंगे। देन हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, और फिर इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, ताकि इसमें मोवन लगाएंगे, ताकि जो हम ये आटा नीट करेंगे, आटे को डो को लगाएंगे, नीट करेंगे तो मुलायम से इस तरीके से मुट्ठी बनने लगे, यानी कि आपने। उसके बाद बारी आती है स्टफिंग की। अब हम रेडी स्टफिंग को रेडिंग करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 बॉइल्ड मैस्ड पोटैटो लेंगे, उसमें हम आधा से भी कम चम्मच काली मिर्च मिलाएंगे, 1 चम्मच हम उसमें चाट मसाला मिलाएंगे। देन हम उसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच आपका गरम मसाला। देन हम उसमें मिलाएंगे जो सूखी धनिया होगी, उसको ड्राई कर धनिया को पीस लेंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, उसको हम मिलाएंगे 1/2 चम्मच यहाँ पे। और फिर इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से, और इसमें 1/2 चम्मच हम रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक में हम 1/2 चम्मच काला नमक ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच हम देन इसके बाद जो हमने आटा लगा के रखा था उसको देखेंगे, आटा को चेक करेंगे और इसको हम छोटे छोटे जो 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे आटे को। और ये मुलायम हो गया है पहले की अपेक्षा, तो इसको 4 पोर्शंस में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हमने एक पोर्शन लेके गोल गोल लोई से बना के हमें रोटी बनानी है इसकी, इस तरीके से। और जब रोटी बेलेंगे ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है हमें, ना मोटी ना पतली, जैसे आप नॉर्मल घर की रोटियां बनाते हैं उससे अगर थोड़ा सा पतली रह जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप खाओगे ना तो ये अच्छे से पकेगी तो क्रंची नहीं सा रहेगा, मोटी रख लेंगे तो पकेगी नहीं प्रॉपरली। ये क्योंकि हम लोग लेयर्ड करेंगे ना एक दूसरे के ऊपर, तो हमें ये पतला ही चाहिए। और फिर इसके बाद इसके जो आलू हम लोगों ने रेडी किया था मसाला, उसको हाथों की हेल्प से इस तरीके से बना के लड्डू की तरह इसके ऊपर रख देंगे। और फिर जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से इसको, और जब ये कट जाएगा फिर हम पानी लेंगे, क्योंकि हमें ये पेस्ट करना है इस तरीके से। आप देखें फिर हम पानी लेंगे हाथों में, ये दोनों उंगलियों पर अप्लाई करेंगे, फिर उंगलियों में इसको चारों तरफ इसके अभी अप्लाई कर देंगे। पेस्ट हो जाए अच्छे से, और ये देखिए इस तरीके से आप इसका शेप देंगे कुछ, तो देखिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, मतलब बनाने में मुझे थोड़ी मज़ा आ रही थी। फिर 2 लौंग लेंगे, उससे हम इसकी आइस बनाएंगे कुछ इस तरीके से। चलिए अब बारी आती है सेकने की। तो एक तेल मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया था, अब इसे सेकते हैं। ये कम्प्लीटली सिक जाएंगे तो ऐसे दिखेंगे, तो लग रही है ना असली वाली मछलियाँ। तो इसको हम नाम देंगे वेज फिश। अभी तक नॉनवेज में फिश आती थी, आज बस रहेंगे वेज में फिश आएगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है टेक्सचर इसका, और सच में अच्छी लग रही है, मुझे बहुत खुशी हुई थी इनको बना के। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक ले लिए बाय बाय दोस्तों।